बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ। नमस्कार दोस्तों, लगता है आजकल गोदी मीडिया की कुटाई करने का देश के प्रवक्ताओं ने मूड बना लिया है। जब जब देश में चुनाव होते हैं तो गोदी मीडिया की कुटाई विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता करने से नहीं चूकते हैं। कोई इन्हें दलाल कहता है तो कोई इन्हें गोदी मीडिया का चाटुकार पत्रकार कह के इनकी बोलती बंद कर देता है। अब अपने चूतिया चमन चोपड़ा को ही ले लीजिए, आज फिर टीएमसी के प्रवक्ता ने इन्हें पश्चिम बंगाल की जीएसटी के विषय पर ना बोलने से खफा होकर ने फिर दलाल बोल दिया। देखें वीडियो में। नसीब भाई, क्या बंगाल के वित्त मंत्री के साथ भी धोखा हुआ? जो आलोक जी ने कहा कांग्रेस के वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हुआ, क्या बंगाल के वित्त मंत्री के साथ भी धोखा हुआ? उनको भी अंधेरे में रखा गया और ये जीएसटी लागू कर दिया गया। चुप कर बे कुत्ते। जी हाँ, और साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि केंद्रीय सरकार ने आज तक बहुत बकाया रखा हुआ है। बंगाल गवर्नमेंट को अभी तक जीएसटी का शेयर का पैसा नहीं दिया है। अब इस बारे में आप आंकड़ा बताइए कि बंगाल के सरकार को कितना रुपए केंद्र सरकार ने बकाया रखा हुआ है। बता ही देना चाहिए, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बताएं। ये कह रहे हैं आप बीजेपी की दलाली कैसे नहीं होता, तो ये तो सबसे गलत है। आप तो ये बताएंगे ही नहीं। ये देखिए, ये सबसे गलत है। आपकी पार्टी के संस्कार है ये शब्द। आप लोग परिवार में ऐसा बोलते हैं, अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी धर्म पत्नी से बोलते हैं? आप बीजेपी के दलाली छोड़ नहीं सकते। आप बीजेपी के दलाली छोड़ नहीं सकते, वरना हिम्मत है तो बताइए कितना बकाया नहीं उतर सकता। हिम्मत है तो बताइए बंगाल सरकार का बकाया कितना है। नीचे नहीं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने नहीं दिया। संस्कार है, आपको ये कहकर छोड़ रहा हूँ मैं, आपको माफ कर रहा हूँ। आज के बाद ये शब्द मेरे लिए मत इस्तेमाल करिएगा। आपको ये कहकर माफ कर रहा हूँ मैं आज के बाद। सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। अपने परिवार में भी आपके यही संस्कार होंगे कि आप अपने परिवार को भी दलाल कहकर इस्तेमाल करते हो। नहीं है जो आप आंकड़ा बता दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप छोड़िए ना, आपसे फिर बोल रहा हूँ, घर वाले दो सवाल पूछ लेंगे, उनको भी दलाल कह देते होंगे आप लोग। जली ना तेरी भी जली ना नहीं बताइएगा। मैं आपसे आपके घर वाले दो उल्टे सवाल पूछ लेंगे, उनको भी दलाल कह दे देंगे आप लोग। इसलिए आपके परिवार और आपके यही संस्कार है, मैं आपको ये कहकर माफ कर रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप झूठ कह रहे हैं, और अगर आप सच कह रहे हैं तो मिनट्स का कॉपी आप दिखा दीजिए, क्या परेशानी है? तौसीफ अहमद खान, आपने आरोप लगाया है ना कि आपने बोला स्टेट्स का सही नहीं है और यही कहेंगे कि आप सब देंगे ना मेरे को। आप एक तरफा बातें बोल रहे हैं, आप आधा सच बोल रहे हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आप तो अभी इस बात को भी झुठला रहे थे कि सरकार का, राज्य सरकार का या बंगाल सरकार का कोई बकाया है जीएसटी काउंसिल में, आप तो ये भी झुठला। आप इन बातों से डरते क्यों है? मैंने आपको स्ट्रांग होना होगा। अगर आप मजबूत हो जाए, हमारे देश की मीडिया मजबूत हो जाए, तो ये बीजेपी सरकार जो जुल्म कर रही है जनता पे, वो जुल्म नहीं कर सकती। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा। आज खामोशी है, कल शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तुम्हारे लाइक चेक कर दीजिए।